राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो की साइड दीवार का हिस्सा टूटकर नीचे लोगों पर जा गिरा, जिसके बाद वहां पर हल्ला मच गया। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में एक की जान चली गई जबकि चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ देर तक सब शांत हो गया, हालांकि लोगों के दिल में दहशत बैठ गई। बता दें कि गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पूर्व में बनी रेलिंग आज सुबह करीब 11 बजे भरभराकर सड़क के ऊपर गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान ट्रैफिक चालू था। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली मेट्रो का पिंक रूट नया बना है, ऐसे में मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे अधिकतर मलबा सड़क के किनारे वाले हिस्से पर गिरा, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आने से बच भी गए। जिसके बाद स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और मेट्रो कर्मचारियों ने लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। देखिए स्टेशन के नीचे का नजारा। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और आगे की जांच जारी है। फिर हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिंक रूट मेट्रो के नए रूट में से एक है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने गोकुलपुरी में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए डीएमआरसी के सभी संबंधित विभागों को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में सुरक्षा जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा एहतियात के तौर पर मौजपुर से शिव विहार तक के हिस्से पर ट्रेन सेवाओं को सिग्नल लाइन पर चलाया जा रहा है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, हालांकि पिंक लाइन के बाकी हिस्सों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है। जब यह हादसा हुआ तो वहां से ट्रेन गुजर रही थी और स्टेशन पर कुछ यात्री खड़े थे। ऐसे में हादसे के बाद मेट्रो यात्रियों पर डर का माहौल है। मेट्रो के प्लेटफॉर्म की दीवार गिरने से डीएमआरसी ने मृतक और घायलों के लिए राहत राशि जारी की है, जिसमें मामूली रूप से जख्मी हुए व्यक्ति को 1,00,000 रुपए, गंभीर रूप से जख्मी हुए को 5,00,000 और मृतक के परिजनों को 25,00,000 रुपए की राशि देने का फैसला किया है। डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस घटना का संज्ञान लिया है, आगे कभी इस तरह की घटना ना हो इसके लिए सभी अधिकारियों को मेट्रो स्टेशनों की जांच करने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।